नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। साथियों, पिछले वाले वीडियो में जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का रिव्यू करा था, तो आप लोगों ने कहा कि जो और भी दूसरे इंस्टीट्यूट से जिसकी टेस्ट सीरीज कंडक्ट हो रही है उसके भी टेस्ट सीरीज को काइंडली रिव्यू कीजिए। स्टूडेंट साथी का भी 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लाइव है साथियों, हमारे स्टूडेंट साथी ऐप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। 22 डेज का क्रैश कोर्स प्रोग्राम है जिसमें हम लोग पूरा टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको लाइव वीडियो डिस्कशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो वो टेस्ट सीरीज स्टूडेंट का जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, 10 टेस्ट सीरीज, वो हमारे ऐप पे लाइव है। तो फिलहाल आज हम लोग देखेंगे कुछ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के कुछ हम लोग कंटेंट को देखेंगे, जिसमें आपका सबसे पहला है परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज। ठीक है, परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज है और ये आपका जो है टोटल ऑफ 5 टेस्ट है। इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे इसमें टोटल 5 टेस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिन साथियों को ये ऑर्डर करना है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मंगवा सकते हैं। बीपीएससी 68 प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज परफेक्शन का है, पड़म आईएएस का है, नालंदा सिविल सर्विसेज का है और संकल्प सिविल सर्विसेज का, एक एक का हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन आप देख सकते हो, तोल काप्यम किसका नाम है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स तोल काप्यम, 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पादिकरम कारम में किस नदी की स्तुति की गई है? तो ये आपका देख सकते हो बाइलिंगुअल काइंड ऑफ आपका टेस्ट सीरीज है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, मतलब कि बाइलिंगुअल टेस्ट है। और ये आपका जो है, ये आपका जो है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपका एंशियंट हिस्ट्री का ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री का पहला वाला सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है। उसके बाद आइए हम लोग टेस्ट नंबर सेकंड, इसमें आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलता है, सभी क्वेश्चंस का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलता है आपको। ठीक है, उसके बाद आइए हम लोग टेस्ट नंबर वन के बाद जो है, टेस्ट नंबर वन आपका यहाँ खत्म होता है, उसके बाद आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा पूरे सेट का आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलता है इस तरीके से। ठीक है, आप आराम से देख सकते हो, पूरा कॉन्टेंट रीडेबल है, पूरा डिटेल्ड फॉर्मेट में डिस्कशन आपको मिलता है हर एक पेज पे। उसके बाद आइए टेस्ट नंबर टू से हम लोग शुरू करते हैं। अब टेस्ट नंबर टू में जो है साथियों, आप देख सकते हो अखिल भारतीय किसान सभा किसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई का निर्वाचन अध्यक्ष कौन था? 4 फरवरी 1928 को किसने बारदोली सत्याग्रह का आरंभ किया, है ना? दीन बंधु मित्र ने अपना नाटक नील दर्पण किस विषय वस्तु के संदर्भ में लिखा है? वो आपका बाइलिंगुअल काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज है। अंदर के क्वेश्चंस को भी हम लोग कुछ देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी थी? आपका मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज मालूम पड़ रहा है। हाँ, ये पूरा आपका जो है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है, मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज है। ठीक है, उसके बाद टेस्ट का डिस्कशन, उसके बाद जो टेस्ट नंबर थ्री आप देख सकते हो, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? ये आपका साइंस का टेस्ट सीरीज है। रेफ्रिजरेशन हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन, साइंस का आपका टेस्ट सीरीज है। ये आपका पूरा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम लोगों ने देखा एंशियंट हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को, साइंस को देखा। टेस्ट नंबर फोर की अगर बात की जाए तो ये आपका जो है पॉलिटी का टेस्ट सीरीज है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज ये है, पॉलिटी का है। आप इसमें क्वेश्चंस को देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आते हैं? और 1935 में भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में विशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? ये सारा आपका इसमें दिख रहा होगा, पॉलिटी का ये आपका टेस्ट सीरीज है। उसके बाद टेस्ट नंबर फाइव जो है हम लोग देख लेते हैं फटाफट। सभी का आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलता है, हर एक टेस्ट का आपको जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसमें मिलता है और बाइलिंगुअल फॉर्मेट में टेस्ट सीरीज है। सबसे बेस्ट पार्ट इसका यही है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को कोई इशू नहीं होगा और एक एक क्वेश्चन को आप यहां पे देख सकते हो, आराम से वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको आइडिया लग जाएगा कैसा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन का लेवल है। एक्साइज ड्यूटी किस पर लगाने वाला चार्ज है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बफर स्टॉक फाइनेंस सुविधा प्रदान करता है? तो ये आपका इकोनॉमी वाला टेस्ट सीरीज है। तो इसमें हम लोगों ने देखा 5 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, जिसमें आपका हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी और इकोनॉमी को कवर करा गया था, है ना? और इसमें आपको इकोनॉमी के साथ साथ आपको जो है करंट, ये आपका जो है इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और सारा मिक्स टेस्ट है ये जो टेस्ट नंबर फाइव है। तो इसमें आपका इकोनॉमी भी मिल जाएगा, आपको इसमें करंट के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। और इसमें बजट और इकोनॉमी सर्वे जो अभी लेटेस्ट गुजरा है वो भी आपका इसमें मिल जाएगा, तो इसके लिए आपको कोई इशू नहीं है।
क्योंकि बजट और इकोनॉमी सर्वे से क्वेश्चंस देखा गया था कि मेंस में तो पूछा ही गया था, इस बार प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस खूब सारे पूछे गए थे बजट एंड इकोनॉमी सर्वे से, क्योंकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी हो जाता है, इकोनॉमी को भी कवर कर लेता है, तो इसीलिए उससे ज्यादा क्वेश्चंस थे। ऑयल इंडिया लिमिटेड इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विच इज एंगेज्ड इन, ऑयल इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो संगठन है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तड़ाव का समूह कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सूर्यास्त और सूर्योदय के समय नारंगी और लाल रंग के लिए जिम्मेदार है? क्षोभ मंडल की मोटाई अधिक कितनी होती है? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसी परत में जलती है? आपको ज्योग्राफी का एस्ट्रोनॉमी का क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा साथियों, और इसमें कुछ करंट के भी क्वेश्चंस हैं, मतलब ये मिक्स काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज है और इसका भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको इस तरीके से मिलता है। तो परफेक्शन के बाद आइए अब हम लोग देख लेते हैं परम आईएएस का टेस्ट सीरीज। परम आईएएस का टेस्ट सीरीज जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में है। इंग्लिश मीडियम का ये टेस्ट है और हिंदी मीडियम का टेस्ट सीरीज ये वाला है। दोनों में आपको पांच पांच टेस्ट मिलते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसमें भी आपको मिलता है। तो आइए परम आईएएस का टेस्ट हम लोग देख लेते हैं फटाफट। इसमें आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर वन, द फेमस रूलर मेदिनी राय बिलोंग टू विच डायनेस्टी, और विच मुगल रूलर इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द लोकेशन ऑफ इट्स टॉम्ब, विच ऑफ द अर्लिएस्ट कोडिफाइड डॉक्यूमेंट ऑफ आयुर्वेदा एंशियंट हिस्ट्री, आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। एन आयरिश मैन जेम्स अगस्तस हिकी स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया विच वाज, ये आपको यहाँ पे सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने दे रखा है, आप आराम से ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हो। और ये आपका जो है कम्प्लीट जो है मिक्स टेस्ट है, फुल एंड टेस्ट है परम आईएएस का, ठीक है, टेस्ट नंबर वन जो है। और उसके बाद जो है आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलता है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन काफी डिटेल्ड फॉर्मेट में है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर वन जो था उसका आंसर होता है आपका केडो डायनेस्टी, और उससे रिलेटेड आपके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कि अगर क्वेश्चन डिस्गाइज करके भी आपको एग्जाम में पूछता है तो आप आराम से टैकल कर सकते हो। तो काफी डिटेल्ड फॉर्मेट में एक्सप्लेनेशन है, आप यहाँ भी देख सकते हो एक्सप्लेनेशन किस तरीके से किया गया है। इसी तरीके से आपको इसमें पांच मॉडल टेस्ट मिलेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, और ये आपका इंग्लिश मीडियम वाला है। उसके बाद आइए हम लोग इसका हिंदी मीडियम वाला भी देख लेते हैं परम आईएएस का, कुछ क्वेश्चंस हम लोग हिंदी मीडियम में भी पढ़ देते हैं ताकि साथियों को कोई इशू ना हो। आप इसमें देख सकते हो प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय किस वंश से संबंधित थे, जो आपका इंग्लिश मीडियम में था सेम उसी काइंड ऑफ आपका हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन मिलेगा। आप आराम से वीडियो को पॉज करके भी एक एक क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ सकते हो। निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म अपने उद्गम स्रोत के साथ सही द्वंद से मिल नहीं खाता? ये आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन जो अक्सर देखा गया, बीपीएससी पूछता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार का पहला चीनी कारखाना स्थापित किया गया? मतलब इसमें फुल एंड मिक्स काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज है, जैसा हम लोगों ने परफेक्शन में देखा कि ज्यादातर उसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज थे, वही परम आईएएस की बात की जाए तो इसमें आपका फुल एंड टेस्ट सीरीज है और एक्सप्लेनेशन आपको एकदम डिटेल्ड फॉर्मेट में मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसा कि ने इंग्लिश मीडियम वाले में भी देखा था। एक्सप्लेनेशन काफी डिटेल्ड है तो आपको कोई इश्यूज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नालंदा सिविल सर्विस, संकल्प सिविल सर्विसेज की बात कर लेते हैं, जो कि एक लोकल इंस्टीट्यूशन है और इसका भी टेस्ट सीरीज का काफी डिमांड है और ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है। इसमें आपको टोटल पांच टेस्ट मिलेंगे विदाउट एक्सप्लेनेशन, इसमें आपको खाली ऑप्शंस ए बी सी डी मिलेंगे, ठीक है, जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको खाली इसमें इस तरीके से मिलता है, इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। परम आईएएस और परफेक्शन आईएएस में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था, बट नालंदा और संकल्प में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। और स्टूडेंट साथी का जो टेस्ट सीरीज है लाइव है, उसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलता है और उसका जो लाइव डिस्कशन है वो वीडियो के फॉर्मेट में मिलता है। तो ये आप देख सकते हो संकल्प के कुछ क्वेश्चंस को आप देख लो, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र क्या था, है ना, आपको मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन दिख रहा होगा। आर्य समाज के निम्नलिखित कार्यक्रमों में भारत के सांप्रदायिकता को बढ़ावा किसने मिला, है ना, कोई भी भारतीय रियासत ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो अंग्रेज शक्ति पर निर्भर ना हो, वह किसने कहा था, ये आपका बाइलिंगुअल में हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में आपका ये टेस्ट सीरीज है, ठीक है। वी डी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, विच वॉज द सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाई वी डी सावरकर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न से किस एक द्वारा दिया गया था, ये आपको यहाँ पे सारा मॉडर्न हिस्ट्री का आपको क्वेश्चन आंसर दिख रहा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ये भी आपका फुल लेंथ काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज है, क्योंकि मिक्स टेस्ट सीरीज है, आप देख सकते हो। संसदीय शासन में वास्तविक मुख्य कार्यपालक कौन होता है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध
किसके किसने किसके द्वारा दिया गया था। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। देख सकते हो आप, साइंस का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। साइंस का क्वेश्चन अगेन आपको दिख रहा होगा, लोलक घड़िया गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि। तो इसमें आपको साइंस का पूरा मिक्स टेस्ट सीरीज है और इसमें आपका इस टाइप से इसका आंसर मिलता है। डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको इसमें नहीं मिलता है। उसके बाद टेस्ट नंबर टू भी आई, हम लोग फटाफट देख लेते हैं साथियों। ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दिखाना ही हमारा मुख्य मकसद होता है जब भी हम लोग वीडियोस बनाते हैं, तो ताकि आप क्वेश्चंस को देख सको आराम से, उसको एक एक क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके भी देख सको, पढ़ सको। और किस काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज है, कैसा है इसका पेनिट्रेशन, है एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं है, वो आपको आइडिया लग सके। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भील विद्रोह से प्रभावित था। 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा था कि यह पूर्णता सिपाही विद्रोह था। यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, इन रिलेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु सेड दैट इट वाज अ कंप्लीट सिपाही म्यूटिनी, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वॉज अफेक्टेड बाय द भील रेबेलियन, है ना। आपको यहाँ पे पूरा दिखता होगा, द फेमस डॉक्टर बी ओ भट्टाचार्य ऑफ बिहार हु हैज पास्ड अवे इज रिलेटेड टू विच मेडिकल फील्ड। आपको बिहार स्पेसिफिक भी क्वेश्चन दिख रहा है, सभी आपका इसमें लगभग फुल लेंथ टेस्ट है। होम डिड इल्तुमिश अपॉइंट एज हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार, तो ये आपका मेडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। व्हाट वाज द डिमांड ऑफ तेलंगाना पीजेंट मूवमेंट ऑफ बंगाल, विच वैदिक डिटीज आर मेंशन्ड इन द बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन, है ना। निम्नलिखित घटनाओं के काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, और चतुर्भुज नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है। आपको एंशियंट का भी क्वेश्चन दिख रहा होगा। उसके बाद अगर हम लोग टेस्ट में आगे बढ़ते हैं, जो टेस्ट नंबर टू है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। करंट अफेयर्स का भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है। आईएमएफ के रैंकिंग के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से विश्व में कितना स्थान है, मतलब ये आपका सूचकांक से भी रिलेटेड है और आपका इकोनॉमी से भी रिलेटेड है आपका क्वेश्चन है। विच एनिवर्सरी डिड द बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट ऑन 6 जून, जो बिम्स्टेक अभी हुआ है हाल में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। पॉइंट E140 कारगिल सेक्टर इन द्रास वाज रिनेम्ड एज, किस नाम से कारगिल का जो सेक्टर था, कारगिल सेक्टर द्रास जो था उसको रिनेम करके क्या नाम दिया गया है। तो ये आपका फुल लेंथ टेस्ट है और इसमें आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता साथियों, इसमें आपको सभी का खाली आंसर मिलता है। उसके बाद आ जाइए नालंदा सिविल सर्विसेज पे। नालंदा सिविल सर्विसेज का जो ये टेस्ट सीरीज है, इसमें भी आपका 5 टोटल टेस्ट सीरीज है। और ये जो टेस्ट सीरीज है, इसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वेद में अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है। विच ऑफ द, आप आराम से वीडियो पॉज करके भी एक एक क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें, चुंबक में सबसे अधिक आकर्षण किस भाग का होता है। साइंस के क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, मैग्नेटिक का क्वेश्चन है। इन द प्रोविंशियल इलेक्शन हेल्ड इन 1937 फॉर हाउ मेनी मंथ्स डिड द कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट रूल, आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पूरा आपका फुल लेंथ टेस्ट है, मतलब कि मिक्स टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना। जिस तरीके से हम लोगों ने संकल्प में देखा मिक्स टेस्ट सीरीज था पांचों, नालंदा में मिक्स टेस्ट सीरीज है पांचों, परम आईएएस में हम लोगों ने देखा मिक्स टेस्ट सीरीज था, परफेक्शन में हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज था। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि अगर आपको ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज अगर आपको ऑर्डर करना है, तो डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक है, आप वहां से जाके आराम से ऑर्डर कर सकते हो, घर बैठे मंगवा सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। और अगेन आइए इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आप यहाँ पे भी देख सकते हो, कंप्लीट फुल इंटरेस्ट है आपको, मैथमेटिक्स भी यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो। आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट फुल इंटरेस्ट है। उसके बाद इसमें व्याख्या है, ठीक है। नालंदा में मैंने कहा था कि व्याख्या नहीं है, सॉरी, नालंदा में आपको जो है पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा। संकल्प में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं था, बट नालंदा में आप देख सकते हो पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है हिंदी मीडियम में। टेस्ट सीरीज है आपका बाइलिंगुअल में, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में, बट डिस्कशन आपका है हिंदी मीडियम में और पूरा फुल लेंथ टेस्ट का डिस्कशन है। पूरा पांचों टेस्ट जो है साथियों नालंदा में, पांचों का पांचों टेस्ट फुल लेंथ है और पांचों के पांचों टेस्ट का आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अगर हम लोग टेस्ट नंबर टू भी एक बार देख लेते हैं, आप वीडियो को पॉज करके एक क्वेश्चन को देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज वॉज नॉट फाउंड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, दैट क्वेश्चन बिलोंग टू द एंशियंट हिस्ट्री सेक्शन। अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं, भारत में निम्नलिखित में से जाने वाली कालक्रम अनुसार क्या है, तो आप इसमें देख सकते हो चीनी यात्री हेनशांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। एंशेट का आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मुंगेर में बढ़ी एहतियात विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था। 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने किस स्थान पर अनुशीतल समिति की स्थापना की थी। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, विद्युत विभव है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, साइंस का आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। आगे बढ़िएगा, बिहार स्पेशल का क्वेश्चन दिख रहा होगा,
आपको यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन दिख रहे हो, तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है ना, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार के नए प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है, अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है यानी कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैथमेटिक्स का आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मतलब कि पूरा कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट है। और फुल लेंथ टेस्ट के बाद जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एकदम डिटेल्ड फॉर्मेट में आप यहाँ पे देख सकते हो, एक एक क्वेश्चन का जो है पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया गया है। आपको पड़म आईएएस, परफेक्शन आईएएस और नालंदा सिविल सर्विसेज में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलता है पांच टेस्ट का, बट संकल्प सिविल सर्विसेज में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, ऑप्शन और उसका आंसर खाली मिलता है। तो ये हो गया आपका, हम लोगों ने रिव्यू करा नालंदा सिविल सर्विसेज को, संकल्प सिविल सर्विसेज को, पड़म आईएएस का हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में हम लोगों ने रिव्यू करा, और परफेक्शन आईएएस जो था, परफेक्शन आईएएस तो आपका बाइलिंगुअल में है ही, तो मतलब बाइलिंगुअल में आपको मिलता है संकल्प सिविल सर्विसेज और नालंदा आईएएस और आपको परफेक्शन आईएएस और पड़म आईएएस अगर आपको ऑर्डर करना, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। सभी का लिंक साथियों हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप आराम से घर बैठे ऑर्डर करके इस सारे सेट को मंगवा सकते हो, अपनी की तैयारी धमाकेदार तरीके से कर सकते हो। और अगर आपको सभी का वीडियो क्लासेस फॉर्मेट में चाहिए कि मतलब आपको वीडियोस भी चाहिए और टेस्ट सीरीज भी चाहिए, तो उसके लिए स्टूडेंट साथी का ऐप का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हमारा अभी 22 डेज का क्रैश कोर्स प्रोग्राम चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ आपको लाइव डिस्कशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एटलस की लेटेस्ट बुक आई है सीएमई की, जो कि फर्स्ट एडिशन थी, सेकंड एडिशन आई है द्वितीय संस्करण, इसका रिव्यू हम लोग देखेंगे और इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। थैंक यू साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द 68 पीटी एग्जामिनेशन। थैंक यू।